हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरुम। दोस्तों यहाँ पे एयरफोर्स एग्जाम सेंटर में आप लोगों को दोस्तों क्या क्या लेके जाना है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं ले जाना है दोस्तों, ठीक है। और कोई गलती अगर फॉर्म वॉर्म में हो गई तो कौन से डॉक्यूमेंट ले जाएंगे तो बच जाएंगे दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी। और इंपॉर्टेंट बात बता दें, आप लोगों को एडमिट कार्ड कैसा ले जाना है, और आप लोगों को फ़ोटो कितनी ले जानी, बैग कहाँ रखना, फ़ोन कहाँ रखना है, और आप लोगों ने एक्स से वाई भरा, एक्स से फॉर्म भरा कि वाई से भरा, ये भी आप लोगों को दोस्तों मजबूरी मुझे वीडियो बनाना पड़ा। आप लोगों ने डाउट जाने कितने डाउट तो पूछ लिए थे, तो मुझे ये सब डिटेल में अब आपको बताना पड़ेगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट और मतलब क्या क्या आपको ले जाना दोस्तों। चलो भाई, तो ध्यान समझिएगा दोस्तों, आप लोगों को एक मास्क ले जाना है और एडमिट कार्ड ले जाना है। एडमिट कार्ड में आप लोगों को फोटो का भी ऑप्शन आता है, वहाँ पे फोटो चिपकानी पड़ेगी, ठीक है, और सिग्नेचर भी करना पड़ेगा। ये फोटो चिपकाने और सिग्नेचर वाला काम आप लोग एग्जाम सेंटर पे जाके कर लीजिएगा, वहाँ पे देख लेना, काफ़ी बच्चे लोग कर रहे होंगे जैसे ही, तो वैसे आप लोग कर लेना उनका देख के, ठीक है। कैसे फ़ोटो लगानी है, कहाँ फ़ोटो लगानी है, वो इधर ही लगानी रहती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और सिग्नेचर उसी में लिखा होगा तो सिग्नेचर कर देना, जो सिग्नेचर वही करना जो जो रजिस्ट्रेशन में करते आए, जो पहले से ही करते आए, और वही फ़ोटो लगानी जो रजिस्ट्रेशन में लगाया एडमिट कार्ड में। और दोस्तों फोटो आप लोगों की एक इसमें लगेगी एडमिट कार्ड में, एक एग्जाम हॉल में वेरीफिकेशन लग जाती है, मतलब दो फोटो चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा मान लीजिए आप लोग तीन तक लगभग फोटो ले जाना, पता नहीं आप लोगों का एक फोटो इधर उधर ना हो जाए, तो तीन फोटो ले जाना और एक मास्क ले जाना अपना, और आधार कार्ड दोस्तों ले जाना। अगर आधार कार्ड में भी थोड़ी देखो आधार कार्ड ले जाना, लेकिन आधार कार्ड में आप लोगों की जाति या नाम पता में माता पिता के नाम में थोड़ी बहुत गलती होती है, तो उसको अभी आप लोगों को प्रॉब्लम यहाँ पर बताएंगे। देखो दोस्तों, डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, केवल आप लोगों को वही ले जाना एडमिट कार्ड, दो फोटो, मास्क ले जाना अपने सुरक्षा के लिए। और दोस्तों यहाँ पर आप अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि अगर कोई फॉर्म वॉर्म या कोई गलती हो गई एडमिट कार्ड में भी, और मतलब कि कुछ जैसे कि आप लोगों का कि आधार कार्ड में भी गलती, तो कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाओ जो बच जाओगे, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, ध्यान से समझिएगा। चलो दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट बात है उनको थोड़ा ध्यान, आप लोगों को दोस्तों डाउट बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आप लोगों को यह मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा, ध्यान समझिएगा दोस्तों। एक मास्क ले जाना, शॉर्टकट बता रहे हैं, एडमिट कार्ड ले जाना, अच्छी तरह पन्नी में डाल के ले जाना, आराम से एग्जाम सेंटर में खोलना जाकर, तभी खोलना, आराम से ले जाना, और आप लोगों को ले ही ले जाना, गोंद ले जाना कह सकते हो जो भी, और उसको फोटो का आराम से चिपकाना, तीन फोटो दोस्तों ले जाना, और सिग्नेचर एडमिट कार्ड के नीचे कहा जाए तभी लगाना, वहीं सिग्नेचर कर लेना, फोटो ले जाना। और दोस्तों अपनी सुरक्षा के लिए दोस्तों पेन ले जाना, क्योंकि वहाँ पेन कहीं कहीं सेंटर में देते नहीं, रफ तो आप लोगों को एक छोटा सा पन्ना दे देंगे केवल वहाँ, लेकिन रफ नहीं देते हैं, ठीक है, मतलब रफ दे देंगे लेकिन पेन नहीं देंगे, तो पेन अपने हिसाब से ले जाना। और दोस्तों बैग आप लोग आराम से ले जाना, आप लोगों ने सोचा तो फोन कहाँ रखे, तो भाई दोस्तों फोन स्विच ऑफ करके बैग में रख लेना, और बैग आपका ऑफिस या रूम में जमा होता है, आराम से दे देना। और दोस्तों अब ये कि भाई इतनी ही चीज़ें ले जानी, हाँ दोस्तों छठे नंबर पे ये कि क्या पहन के जाना, आप लोगों ने पूछा था जींस पहन सकते, भाई पहनो जींस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कि आप लोगों ने ये भी पूछा था जूते वूते पहन सकते, देखो जूते पहने तो तुरवा ही जाएंगे, काफ़ी छात्र लोगों के जूते उतरे होंगे तो वहाँ आप लोगों का खो भी सकता है दोस्तों। वैसे चप्पल वप्पल पहन लो और सैंडल वैंडल पहन सकते हो, वो उतरवाएंगे नहीं लेकिन जूता उतरवा लेंगे। तो दोस्तों आपको जो सही लगे पहन लेना, एडमिट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि एडमिट कार्ड ले जाना और तीन फोटो ले जाना, और ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ वैसे नहीं थी। हाँ दोस्तों, अब ये कि दोस्तों अब इंपॉर्टेंट ये भी तो बात बतानी थी। चलो भाई, अगर डॉक्यूमेंट या फिर किसी चीज़ में आप लोगों की गलती है फॉर्म वॉर्म में या आधार कार्ड में, तो उसका तोड़ है, आप लोगों को ध्यान समझना है। यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, अगर कोई मतलब गलती है नाम पिता या किसी भी चीज़ में दोस्तों, तो आप लोगों का हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट लेके उनको दिखा देनी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। मेरी मानना तो यही कि हाई स्कूल और इंटर दोनों की ओरिजिनल ही ले जाना। देखो फोटो कापी तो नहीं मांगते हैं भाई, ओरिजिनल ही फ़ोटो उनको दिखानी पड़ती है आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जैसे आधार कार्ड में भी छोटी सी एरर होती है, तो उनको हाई स्कूल की भी क्या है कि ओरिजिनल मार्कशीट दिखानी पड़ेगी बस, और कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाई स्कूल दोनों की मार्कशीट ओरिजिनल आप लोग ले जाना। चलो भाई दोस्तों, आप लोगों के डाउट तो काफ़ी थे, लेकिन ये भी एक डाउट था उसमें से दोस्तों, आप लोगों ने कहा था कि अगर मान लो एक्स से हमने फॉर्म भरा तो पता कैसे चलेगा, हमें पता ही नहीं चला इस बार, क्योंकि इस बार काफ़ी रूल अलग निकला था दोस्तों। अगर साइंस से आप लोगों ने फॉर्म भरा तो वो है एक्स ग्रुप का, अदर देन साइंस से फॉर्म भरा तो वो है वाई ग्रुप का, अगर बोथ से फॉर्म भरा है साइंस अदर देन साइंस तो दोस्तों वो हो गया एक्स वाई के लिए, ठीक है। और ये दोस्तों इस बार आपकी चार साल की जॉब है, ये भी सब पता होगा। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दें, आप लोगों को एग्ज़ाम सेंटर में आराम से जाना है, ये मत सोचना कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, आराम से करना है सभी क्वेश्चनों को, ठीक है। और 0.25 की निगेटिव मार्किंग है, चार क्वेश्चन गलत करोगे तब जाके एक नंबर कटेगा, तो आराम से आप लोगों करना है, बिल्कुल मतलब तुक्का उक्का मारने वाला काम नहीं रखना है इस बार, ठीक है, चीज़ों को ध्यान समझना। और अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात बता दें, देखो आप लोगों को दोस्तों ये कि आप लोगों को कम से कम 6-7 दिन बचे हैं मतलब कि एग्ज़ाम के, तो दोस्तों तैयारी तो आपको जम कर करनी चाहिए 6-7 दिन में लास्ट में, तो उसके लिए हमने आपके लिए 2000 वीडियो की व्यवस्था करवाई है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों, प्लीज़ हो सके 2000 वीडियो जरूर देख लेना। चलो स्टार्ट करते हैं, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक सभी लोग कर लीजिए।
चलो भाई, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे नीचे आप लोग देख रहे होंगे फ़ोन की स्क्रीन पे, फ़ोन के स्क्रीन में एग्जाम गुरु लिख के आ रहा होगा और लिख के आ रहा होगा सब्सक्राइब। दोस्तों सब्सक्राइब प्रेस कर लेना। एग्जाम गुरु में जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोगों का ये ऑप्शन आएगा प्लेलिस्ट कम्युनिटी। तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके आप लोगों को देख सकते हो 120 वीडियो मैंने आपको कराए हैं, 189 वीडियो जी के जी एस के लिख कराए, 17 आप लोगों को 17 वीडियो वाई गुरु का पूरा पेपर कराया जिसमें 50 क्वेश्चन है और 44 आपके रागा 50 रीजनिंग। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा बीच में पेपर आपका इंडियन कोड कार्ड का आया तो इंडियन कोड कार्ड की काफ़ी तैयारी करानी पड़ी थी जिसमें मैंने 600-700 आपको वीडियो इंडियन कोड गार्ड के कराए थे। चलो हाँ, अब आ गया फिर से एयरफोर्स। देखो अब एयरफोर्स के 126 प्रैक्टिस है दोस्तों। ये सब आप लोग बिल्कुल दुगनी स्पीड में ये सब पढ़ते जाओ ना, ये सब दुगनी स्पीड में आप सारे वीडियो देख डालो जितने अभी टाइम बचा है। देख रहे हो फिर आप लोगों का ये 20 फुल प्रैक्टिस सेट आ गया, ठीक है। और ये रागा का 30 प्रैक्टिस सेट आप लोग जीके के महामैराथन भी दे सकते हैं। टॉप 400 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे आप लोगों को लगभग डेढ़ एक ही घंटे में। देख रहे हो सिर्फ एक घंटे में 400 जीके क्वेश्चन, तो समझ सकते हो क्योंकि जीके स्टैटिक होती है। आप लोगों को उसको मुझे समझाना तो था नहीं, उसको केवल आप लोगों को डट्टा मानना तो जल्दी जल्दी। और जीके केवल आप लोगों को 7-8 नंबर की आनी है रागा में, और रीजनिंग भी आनी है और नॉर्मल वर्ब की आती है, मैथ भी आती है रागा में ही। तो मैं रागा में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैथ। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए मैथ का भी मैंने सबसे पहले अभी प्ले लिस्ट दिखाया था। तो आप लोग ये कि प्ले लिस्ट जाके देखो, रागा सब पूरा पेपर देख लो, उसमें सब मैथ रीजनिंग जीके जीएस और नॉर्मल सब मिल जाएंगे। तो आप लोग सब तैयारी बस कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज भी मैंने कराया है, देखो करेंसी जो है वो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे, प्रमुख व्यक्तियों के नाम उपनाम अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये सब जरूर आएंगे, ठीक है। मुद्रा से रिलेटेड कैपिटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप सब ये सब देख के जाइएगा। और जिसको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों नहीं किया सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको भी प्ले लिस्ट चाहिए, प्ले लिस्ट जिसको भी चाहिए तो बताना, प्ले लिस्ट प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। वैसे आप लोग खुद ही एग्जाम ग्रुप में जाकर प्ले लिस्ट ले लेना क्योंकि काफ़ी लिंक है, तो प्ले लिस्ट देना मुश्किल हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो सभी लोग लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।